الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولكننا نقول ما يرضى به ربنا تبارك وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. मैंने यह हदीस का जो टुकड़ा पढ़ा है इस हदीस से मुझे कुछ अहम बातों की तरफ इशारा करना है, इसलिए मैं पहले इस हदीस का शान वरूद पेश करूं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जमन और आपके बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के बेटे थे और 16 या 17 महीने के ऊपर जब वो बीमार हो गए और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया अपने बेटे को और हाथ ही में अपने बेटे का इंतकाल हो गया। खुद नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में अपना बेटा था और इंतकाल हो गया। दुनिया जानती है कि जिस औलाद पर इंसान को नाज होता है और ये सोचता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी बुढ़ापे की लकड़ी है, मैं इससे मदद हासिल करूंगा और ये मेरे बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगा, वही बेटा एक छोटी सी उम्र के अंदर जब अपने बाप के हाथों में जान दे रहा हो तो उस वक्त बाप पर क्या गुजरती है ये दुनिया जानती है। उस मौके पर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रो पड़े और आपका चेहरा एकदम सा बदल गया और आपका दिल गमगीन हुआ। और उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इरशाद फरमाया, अल आइनु तदमा, आंखें बह रही है, वल कल्ब यहजन, और मेरा दिल गमगीन है, वलाकिन्ना नकूल मा यर्जा बिही रब्बुना, लेकिन ऐसी हालत में भी हम शरीयत के दामन को नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे वही जो अल्लाह ने कहा है। यानी गम के हालात में हम शरीयत को तोड़ दें, शरीयत को छोड़ दें और गम के हालात में अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दें और गम के हालात में अपने कुरान के दामन को छोड़ दें, यह नहीं हो सकता है। हम वही करेंगे जो हमारा अल्लाह हमको हुक्म देता है। ये इस जुमले का मतलब है। मैंने इस जुमले को जो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान अपने सरों पर नहीं बल्कि अपने दिलों में सोने के पानी से नहीं बल्कि खून के जरिए से लिखने के काबिल हैं, मैंने इसको इसलिए पेश किया है कि इस वक्त जो महीने से हम गुजर रहे हैं जिसको मुहर्रमुल हराम कहा जाता है और जिसमें खास तौर पर एक वाकया पेश किया जाता है, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और अपनी लाडली और महबूबा बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हैं और जिनसे मुतालिक अल्लाह के नबी ने यूं इरशाद फरमाया कि मेरा हसन हुसैन रैहान अताया, मेरे दोनों ये फूल हैं, मनादाहुमा फकद आदानी, जिसने इनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और कभी अल्लाह के नबी अपने दोनों बेटों को इस तरह सूंघने लगे जैसे इंसान फूलों को सूंघा करता है, कभी अपने बेटे हसन की तरफ निस्बत करते हुए आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह उम्मत में सुलह कराएगा, यानी मुसलमानों का खून बचेगा। और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों बेटों के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि जो इनको तकलीफ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। और कभी इन दोनों बेटों के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों रान पर बिठा करके यूं फरमाया, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। ये हजरत हसनैन के बारे में। और कभी अल्लाह के हबीब ने यूं फरमाया कि ये मेरे दोनों बेटे जन्नत में जवानों के अल्लाह की तरफ से सरदार बनाए जाएंगे। ये सारे मनाकिब, ये सारे फजाइल,
ये सारी रिवायात सही सही तरीन रिवायात हैं जो अल्लाह के हबीब ने अपने दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के सिलसिले में बयान फरमाई है। इसी के साथ एक दूसरे पहलू को भी अपने सामने रख रहे कि अल्लाह के हबीब ने अपने सहाबा के बाद में भी वो तारीफ फरमाई है। कभी यूं फरमाया, मेरे सहाबा ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिसने मेरे सहाबा के खिलाफ जबान खोली है उसने मेरी शरीयत पर जबान खोली है। कभी मेरा नबी यूं कह रहा है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नतों की इत्तबा और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीकों की इत्तबा जरूरी है। कभी नबी अलैहिस्सलाम यूं फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा चमकते हुए सितारों के मानिन हैं। जैसे किसी जमाने में जब कंपोज का निजाम नहीं था तो समंदर में चलने वाले पानी जहाज के कप्तान जो होते थे वो सितारों को देखकर अपना रास्ता और अपनी मंजिल को मुतय्यन करते थे। फरमाया, मेरे सहाबा भी सितारों के मानिन हैं, इनमें से जिसको भी अपना रहबर बना लोगे तुम मुझ तक पहुंच जाओगे, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। ये सहाबा से मुतालिक बहुत कुछ तारीफ है। आप खुतबे के अंदर बार बार एक रिवायत सुनते रहते हैं, फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो। कभी तो यूं अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदुहुम मिन बादी गरजा, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम वखैरुल क़ुरून क़र्नी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, रवाहु मुस्लिम। फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं, अल्लाह 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 से डरो अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बाद में यह है तर्जमा इस हदीस शरीफ का, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बाद में मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, वमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम, और जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। और उसके बाद इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना यानी मेरे सहाबा वाला, और उसके बाद ताबईन वाला, और उसके बाद तबे ताबईन वाला। ये तमाम की तमाम रिवायात हजरत सहाबे किराम के बाब में है। मैंने दोनों तरह की रिवायतों को रखा, एक तरफ हसनैन की मोहब्बत पर नबी की जो बातें हैं, दूसरी तरफ सहाबा के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं। इन दोनों के बाद अब तीसरी बात जो मुझे आज आगे कहना है, इसमें कोई शक नहीं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जो मजलूमाना हमला, जो जालिमाना हमला, और हजरत हुसैन की मजलूमाना शहादत और आपका मजलूमाना अंदाज में जान दे देना, लेकिन इस वाकये के अंदर इतनी मनघरत रिवायतें और इतनी बनावटी रिवायतें और शियों की इतनी रिवायतें आ चुकी है, इतनी रिवायतें आ चुकी है कि ये उम्मत मुस्लिमा उन दुश्मनों के तौर तरीक पर चल पड़ी, और इस उम्मत मुस्लिमा ने बजाय सही रास्ता इस्तेमाल करने के, बजाय सीधा रास्ता इस्तेमाल करने के, बजाय हक की तफ्तीश करने के और हक की तलाश करने के, इस उम्मत मुस्लिमा ने उन शियों का एतकाद कर लिया और उनकी रिवायतों को अपनी शरीयत में और अपने दीन में जगह दे दी, और वो काम करने लगे जो शिया किया करते हैं, और जो अहले बैत की मोहब्बत में सबसे पहले इन तरीकों को जारी करने वाला अब्दुल्लाह इब्ने सूरिया है, जो पक्का यहूदी था, लेकिन उसने देखा कि मेरी यहूदियत में सरदारी खत्म हो गई, यहूदियत में मेरा बरापन खत्म हो गया। वो ईमान लाता है जाहिरी तौर पर, निफाकाना ईमान, मुनाफिकाना ईमान, और उसके बाद सबसे पहले उसका काम यह होता है कि वो अहले बैत की मोहब्बत को जाहिर करता है, कहता है मैं हसन का हामी, मैं हुसैन का हामी, मैं फातिमा का हामी, मैं अली का हामी, मैं मोहम्मद का हामी। बस इस तरह पर उसने अहले बैत की मोहब्बत को जाहिर किया, और अहले बैत की मोहब्बत को जाहिर करने के बाद उसने सहाबे किराम पर दबे दबे अल्फाज में गलत सलत रिवायतों को बयान करके सहाबा से मुतालिक गलत रिवायतों को उम्मत में जारी कर दिया, और ये उम्मत उन गलत खुराफात गलत रिवायतों को लेकर चल पड़ी। और सबसे बड़ा अलमिया और अफसोस ये है कि इस उम्मत ने दुश्मनों की रिवायतों को अपनी शरीयत बना लिया। रोना इस पर है कि इस उम्मत ने दुश्मनों की बातों को
और दुश्मनों की बनाई हुई बातों को अपनी शरीयत बना लिया और शरीयत को बना करके उसके ऊपर चलने लगे और यह सोच लिया कि सब कुछ इसी शरीयत का नाम है और यही रिवायतें हैं। वक्त नहीं है, यह बहुत मुख्तसर जुमा का वक्त है, वरना मैं उन सारी रिवायतों की पोल खोलता जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में मनगढ़ंत रिवायतें बयान की गई। मैं बतौर मिसाल, बतौर एग्जाम्पल, बतौर नमूना के आपके सामने दो चार रिवायतें रखूं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वाकये के अंदर कितना झूठ, कितना प्रोपेगंडा, कितनी बातों को मिलाया गया है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करूं, और अफसोस इस बात का है कि गैर तो गैर, शिया तो शिया, लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मौर्रखीन, तारीख के लिखने वाले, इतिहास के लिखने वाले, उम्मत ने जिन पर एतमाद किया, अल्लामा इब्ने जरीर तबरी, इब्ने असीर जजरी, इब्ने खल्लदून, ये वो बड़े बड़े मौर्रखीन हैं इस्लाम की तारीख के लिखने वाले, कि वो भी इस प्रोपेगंडे के नजर हो गए और शियों की रिवायतों को अपनी किताब में जगह दे दी। उम्मत की गुमराही की बुनियाद, उम्मत की गुमराही की बुनियाद यही हमारे मौर्रखीन है, जिन मौर्रखीन की मनगढ़ंत रिवायतों की बुनियाद पर और उन रिवायतों को नकल करने की बुनियाद पर यह उम्मत गलत धारे में बह गई, गलत रास्ते पर चल पड़ी, बिदत को शरीयत समझ लिया, जलालत को हिदायत समझ लिया, कुफ्र को ईमान समझ लिया, और ये उम्मत मुस्लिमा गलत तरीकों को लेकर, गलत रास्ते की तरफ बहकर अपने मनमानी तरीकों को शरीयत बनाने लगी। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया, बुनियाद जो पड़ी है वो बुनियाद ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए हैं और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, बैठे हुए हैं और इरशाद फरमा रहे, भाई फितनों के बाद में कोई रिवायतें जानता हो तो हमें बताओ। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसको सिर्रे रसूल कहा जाता है, हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला, इन्होंने फरमाया मैं जानता हूं। उमर ने फरमाया तुम तो है ही बड़े जसारत और दिलेर आदमी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन लोग इबादतों की बातें हुजूर से पूछते थे, मैं आने वाले जमाने में फितनों की बातें हुजूर से पूछा करता था। इसीलिए हजरत हुज़ैफा को सिर्रे रसूल का लकब दिया गया। उसमें बयान करते करते हजरत हुज़ैफा ने एक रिवायत बयान फरमाई, अमीरुल मोमिनीन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात सुनी है कि मेरे उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है, जब वो दरवाजा टूटेगा तो फितनों का दरवाजा खुलेगा, यह मैंने अपने नबी से सुना है। तो हजरत उमर सवाल फरमाते हैं कि वो दरवाजा टूटेगा या खुलेगा। फरमाया मैंने हुजूर से सुना है टूटेगा। हजरत उमर फरमाते हैं टूटा हुआ दरवाजा फिर बंद नहीं हो सकता है, खोला हुआ तो बंद किया जा सकता है, टूटा हुआ बंद नहीं किया जा सकता। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरमाया टूटा हुआ दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता है। उसके बाद हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं फितने ऐसे चलेंगे जैसे चटाई की अंदर की लकड़ियां जो है, जो छोटी छोटी लकड़ियों से चटाई बनाई जा रही है, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक है। फरमाया इसी तरह मुसलसल फितने चलेंगे और रुकने का नाम नहीं लेंगे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह हिफाजत फरमाए। रावी हदीस हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल फरमाते हैं कि इस दरवाजे से कौन मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि इस दरवाजे से मतलब हजरत उमर है। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था कि मेरा उमर फितनों के लिए एक दरवाजा है, लेकिन जब इस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा यानी इसे शहीद कर दिया जाएगा तो उसके बाद फितनों का दरवाजा खुल जाएगा। तो रावी ये हदीस हजरत हुज़ैफा से ये सवाल फरमा रहे कि क्या उमर को ये मालूम था कि इस दरवाजे से मतलब मेरी जात है और टूटने से मतलब मेरी शहादत है। तो हुज़ैफा फरमाते हैं उमर को ऐसे मालूम था जैसे आइंदा कल के दिन के आने में शक नहीं, इसी तरह अपने जात के बाद में उमर को शक नहीं था। उमर बिल्कुल जानते थे कि इस रिवायत से मतलब मेरी ही जात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशिनगोई मेरे मुतालिक है,
جو کچھ ہوا ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی دور عثمانی میں حضرت عثمان کی نرمیوں سے وقت کے گورنروں نے غلط فائدے اٹھائے اور بہت غلط فائدے اٹھائے جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گورنر ولید نام کا اس نے تو حد درجہ فائدہ اٹھایا شراب کا عادی تھا اور شراب کے نشے میں نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا لوگوں نے بار بار حضرت عثمان سے شکایت کی لیکن حضرت عثمان کی نرمیلی طبیعت حضرت عثمان کی شرمیلی طبیعت حضرت عثمان کا نرم مزاج جس کی بنیاد پر آپ دھیرے دھیرے انداز میں لوگوں کو کہتے تھے لیکن آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ان گورنروں کو فوری طور پر معزول کر دیا جائے لوگ حضرت عثمان کی طبیعت کو سمجھے نہیں کہ یہ نرمیلی طبیعت کا آدمی اور شرمیلی طبیعت کا آدمی ہے بہرحال جو کرنا تھا وہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوائیوں نے اور باغیوں نے جو تھے تو مسلمان ہی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوئے تھے اور حضرت عثمان کے مکان کا گھیراوا کر کے بالآخر آپ کو بھی شہادت کا جام پلا دیا گیا اس عالم میں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب مسئلہ آ رہا ہے خلافت کا. جس وقت عثمان کی شہادت ہوئی ہے وہ زمانہ حج کا زمانہ تھا. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر حج میں تھی. پتا چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ بنا لیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں نے حالات جب چلتے ہیں تو پارٹیوں کی طرف غلط باتیں پہنچائی جاتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. ابھی قریب میں الیکشن گزرا آپ نے دیکھا اس پارٹی کی غلط بات اس کو پہنچائی جا رہی ہے اور اس کی غلط بات اس کو پہنچائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقانہ طرز اختیار کر کے امت پہ اختلاف کرایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب غزل مباحث فرمایا اللہ کے نزدیک وہ آدمی بدترین آدمی ہے جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتا ہے اختلاف پیدا کرتا ہے اور بلا وجہ یہاں کی باتوں کو وہاں اور وہاں کی باتوں کو یہاں لا کر امت کے درمیان توڑ پیدا کرتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلم کی روایت ہے اللہ ایسے آدمی کی طرف مومن ہونے کے باوجود قیامت کے دن نگاہ شفقت نہیں فرمائے گی. بہت بڑی وعید ہے اس سلسلے میں جو امت کے درمیان پارتی بندیاں کیا کرتا ہے امت کے درمیان اختلاف کروایا کرتا ہے. یہ منافق ہے امت کا یہ فتین ہے امت کا جو امت کے درمیان اختلاف کرتا ہے. میرا نبی جوڑ کے لیے آیا ہے توڑ کے لیے نہیں آیا. اس نے اتفاق کرایا ہے امت کے درمیان تفرقہ نہیں کرایا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق حضرت عثمان کی شہادت ہوئی علی نے باغ دور سنبھالی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں کسی نے غلط اطلاع پہنچائی کہ حضرت علی تو یوں کہتے ہیں مجھے عثمان کے خون سے کیا لینا دینا. سراسر غلط بات. جو علی حضرت عثمان کے محافظ تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دربان بنائے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر عثمان کی جان گئی تو اے میرے بیٹوں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. جو اتنا حضرت عثمان کا حامی ہو کیا وہ بھلا حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ ایک غلط مول لے رہی ہے اور شیعوں کی روایتوں کو اہل سنت والجماعت کے مورخوں نے بھی اپنی کتاب میں بہت کچھ جگہ دے دی. حضرت عائشہ کو جب یہ پتا چلا تو حضرت عائشہ نے بصرہ کا رخ کیا اور بصرہ میں جا کر اپنی ایک جماعت اپنی ایک فوج تیار کی اور فرمایا کہ ہم پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے پھر علی کی خلافت کو مانیں گے. میں نے اسی لیے بتایا واقعہ بہت طویل ہے اس مختصر وقت میں ان چیزوں کو پورے طور پر نہیں نقل کر سکتا ہوں. مجھے صرف خاص طور پر جو ایک بات بتانا ہے اس کے لیے میں ایک تمہید قائم کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے آ گئے. ادھر حضرت علی نے سمجھانے کی بڑی تدبیریں کی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ بھی گئی مصالحت بالکل قریب تھی کہ اب مصالحت ہو جاتی لیکن جو لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ہو انہوں نے راتوں رات حضرت علی کی جماعت پر پتھراؤ کیا اور علی کی جماعت میں جو لوگ نہیں چاہتے تھے انہوں نے عائشہ کی جماعت پر پتھراؤ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ علی پتھراؤ کرا رہے ہیں اور علی یہ سمجھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ پتھراؤ کرا رہی ہے. دشمنوں نے ان دونوں بزرگوں کو ملنے نہیں دیا بالآخر جنگ جمل کا وجود ہوا.
اور اسی کے ساتھ ایک جنگ صفین بھی سامنے آ رہی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا، بالآخر اس میں مصالحت ہو رہی ہے، اور مصالحت میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، اور یہ کہا گیا یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں گے. بالآخر حضرت عمر بن العاص چونکہ بڑے سیاسی آدمی تھے، آپ کا پہلو غالب رہا اور آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو حاکم بنا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا اعلان ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ماننے والے اہل مدینہ کو دل شکنی ہوئی. حضرت علی ان دنوں میں کوفہ تشریف لے گئے، چونکہ کوفہ میں حامی تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد اب آئیے من گھڑت اور موضوع روایت، فرمایا علی نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور اس قنوت نازلہ میں یوں پڑھا، اللہم لعن علی معاویہ وعلی ابی سفیان، اے اللہ تو لعنت اتار معاویہ پر، ابو سفیان پر، اور حبیب ابن عمرہ پر، اور ابو عمرہ پر. یہ تمام کے تمام بڑے بڑے ہیں، اور نسبت کی جا رہی ہے علی کی طرف کہ حضرت علی فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کرتے تھے. اتنے پر بس نہیں کیا راوی نے، آدھے راوی یوں بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت معاویہ کو پتا چلا اس بات کا کہ علی میرے اوپر فجر کی نماز میں لانگ تان کر رہا ہے اور ملامت کر رہا ہے اور میرے لیے بد دعا کر رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے ادھر فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ملامت کرنا شروع کیا، لانت کرنا شروع کیا، اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں یوں پڑھا، اللہم لعن علی علی و حسن و حسین و فاطمہ و اہل بیت علی جمیع اہل بیت. معاویہ نے بد دعا کی، اے اللہ علی پر لعنت اتار، حسن پر اتار، حسین پر اتار، فاطمہ پر اتار، تمام اہل بیت پر اتار. آپ سمجھئے اس روایت کو، اہل بیت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیا معاویہ یہ بد دعا کر سکتے ہیں؟ کیا معاویہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا معاویہ صحابہ کے خلاف یہ لفظ بول سکتے ہیں؟ یہ وہ من گھڑت روایت ہے جو علی کی طرف بھی غلط نسبت ہو رہی ہے اور معاویہ کی طرف بھی غلط نسبت ہو رہی ہے. یہ امت سمجھتی نہیں، یہ امت سمجھتی نہیں، تاریخ کے بل بوتے پر دوڑ رہی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اہل بیت کے نشے میں صحابہ سے دشمنیاں پیدا کرائی جا رہی ہے تاکہ علی کی دشمنی دلوں میں آ جائے، معاویہ کی دشمنی دلوں میں آ جائے. یہ ایک من گھڑت روایت ہے، ایسی تو بہت تیری روایتیں ملے گی من گھڑت. میں ایک دوسری روایت پیش کروں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شیعوں میں سے کتنے ہی لوگوں نے یوں کہا کہ فتنے کی بنیاد اور حضرت حسین کی شہادت کا مین ہیرو یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. مغیرہ ابن شعبہ کون ہے وہ پہلے سمجھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی غلط روایت ہے. مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک ہے. سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، مغیرہ اس میں شریک ہے، اور حدیبیہ والوں سے متعلق قرآن نے کیا کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ کہہ رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے جتنے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کہتا ہے میں سب سے راضی ہو گیا. مغیرہ ان میں سے. اس پر بس نہیں، مغیرہ ابن شعبہ تو وہ شخصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دینے کے لیے مغیرہ کھڑے تھے، اپنا کھوٹ پہنا ہوا ہے. عروہ ابن مسعود ثقفی اہل مکہ کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر کچھ باتیں کرنے کے لیے حضور کے پاس جب پہنچا ہے تو بات کرتے کرتے عروہ ابن مسعود ثقفی اپنا ہاتھ لمبا کر کے حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتے، مغیرہ ابن شعبہ وہیں کھڑے تھے سیکیورٹی کے طور پر اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا ہاتھ ہٹا اپنا میرے نبی کی داڑھی سے، آئندہ تیرے کفر والا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگا تو اب تیرا ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا. مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. بخاری کی یہ روایت ہے، من گھڑت روایت نہیں ہے. تو عروہ پوچھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حقیقی بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے.
आप अंदाजा लगाएं कि जिस नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी कि अपने चचा को भी एक तरफ बालाए ताक रखा। इससे आगे सुने, इस भतीजा और चचा में कोई दुश्मनी नहीं थी। चचा ने आगे जो जवाब दिया है, चचा कहने लगा, अरे तू अपने जमाने कुब्र में, अपने जमाने जाहिलियत में जो किसी को कत्ल करके आया था, मेरे भतीजे उसके 100 ऊंट तो मैं भर रहा हूं अभी तक, और तू मुझे ये जुमला कह रहा है। मुगीरा ने फरमाया, मेरे जाते अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तरफ मुगीरा के इस मकाम को ले ले, इससे बढ़कर गजवे तबूक के मौके पर, गजवे तबूक के मौके पर यही मुगीरा इब्न शौबा रजी अल्लाह तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ है। सन हिजरी 9 के अंदर ताइफ जब फतह हुआ, सन 8 के अंदर ताइफ जब फतह हुआ है, तो उस मौके पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ताइफ में एक बुत है जिसको लात कहा जाता है, कौन है जो उसको खत्म करके मुझे इत्मीनान पहुंचाए। मुगीरा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, मेरी बस्ती है ताइफ, मैं जाऊंगा और आपके दिल को सुकून पहुंचाऊंगा। इन सारे वाकयात से मैं ये बता रहा हूं कि मुगीरा इब्न शौबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कितना ऊंचा था। सिद्दीक अकबर के दौर में हजरत सिद्दीक को आप पर बड़ा इत्मीनान, हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर ने पहले आपको बसरा का गवर्नर बनाया, और बसरा का गवर्नर बनाने के बाद एक बहुत बड़ा इल्जाम आप पर लगा, और जब उस इल्जाम से बरी साबित हुए, हजरत मुगीरा इब्न शौबा, बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मैं अपने सहाबी के बाप में कोई बुरी बात सुनना नहीं चाहता था। उमर इनकी सहाबियत की गवाही दे रहे हैं। इससे आगे कूफा का हाल कुछ अजीब था, इन कूफा में कोई गवर्नर चलता ही नहीं था। पहले हजरत अम्मार को रखा, हजरत अम्मार को 2 महीने में कूफा वालों ने शिकायत करके निकाल दिया। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और एक सहाबी को रखा, इन लोगों ने उनको भी निकाल दिया। हजरत उमर बहुत मुतफक्किराना अंदाज में मस्जिद नबवी में सोए हुए थे और बहुत ही परेशान थे। मुगीरा इब्न शौबा मस्जिद में पहुंचे, ये अल्लाह ही भेज रहा है। हजरत उमर की हालत देखकर मुगीरा ने फरमाया, अमीर अल मोमिनीन बहुत परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? फरमाया, कूफा से मुतालिक मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए कि वो किसी को वहां टिकने ही नहीं देते, किसी को रहने ही नहीं देते, और हर अमीर से मुतालिक शिकायत करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किसको वहां भेजूं। मेरे दिल में यह बात आ रही है, उमर फरमा रहे, मेरे दिल में यह बात आ रही है, मैं किसी दीनदार को भेजूं, लेकिन मेरा दिमाग फिर यह कह रहा है कि दीनदारी होगी और इंतजाम नहीं होगा तो नरी दीनदारी से वहां चल नहीं पाएंगे, और अगर इंतजाम को बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन दीनदारी बिल्कुल नहीं है तो भी मसला हल नहीं हो सकता है। दोनों चीजों की जरूरत है, इंतजाम की भी सलाहियत हो और दीनदारी की भी सलाहियत, दोनों चीजों की सलाहियत। हजरत मुगीरा इब्न शौबा एक अकलमंदाना जवाब दे रहे हैं और ये फरमाया, हजरत नरे दीनदार को अगर आप भेजोगे तो उसकी दीनदारी उसकी जात को तो फायदा देगी लेकिन आपकी खिलाफत को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कि जब उसमें सलाहियत नहीं होगी वो मुल्क को संभाल नहीं पाएगा, ला महाला, सारा मसला आप ही पर आएगा। और फरमाया, नरा इंतजाम की सलाहियत तो उसमें होगी और अगर दीनदारी नहीं होगी तो इस सूरत में भी मसला खतरे में होगा। मेरी राय यह है हजरत अमीर अल मोमिनीन कि आप बकदरे जरूरत जिसमें दीनदारी हो, अल्बत्ता इंतजाम का मसला ज्यादा हो, आप उसको उसका अमीर बना दीजिए। तो हजरत मुगीरा इब्न शौबा को हजरत उमर ने फरमाया, तेरी फिरासत यह बता रही है कि मुझे तुझी को वहां का गवर्नर बनाना चाहिए। मुगीरा इब्न शौबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा का गवर्नर बना दिया गया। अब आगे चल करके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस दिन इंतकाल हो रहा है, एक दूसरी मनगढ़ंत रिवायत लीजिए। ये सारे मनाकिब, ये सारे फजाइल मुगीरा इब्न शौबा के आपने सुने, इससे आगे अब रिवायत लीजिए। फरमाते, जिस दिन अली का इंतकाल हुआ तो मुगीरा इब्न शौबा को खतरा हुआ कि कहीं ये हुकूमत कोई और न ले ले, इसलिए मुगीरा इब्न शौबा जल्दी जल्दी अपने काफले को लेकर, हजरत मुआविया की तरफ से कोई खत नहीं था लेकिन बनावटी खत लेकर के कि मुझे अमीर अल मोमिनीन बनाया है, हज में पहुंच गए और 9 तारीख के बजाय यौमुल अरफा 8 को कर दिया और 10 तारीख के यौमुल हज के बजाय यौमुल ईद के बजाय 9 तारीख को हज कर दिया और मुगीरा ने पूरी उम्मत को गलत हज कराया। यह तबरी ने नकल किया,
इब्ने जरीर तबरी ऐसा मुहक्किक मुअर्रिख है और वो इस रिवायत को नकल कर रहा है। अरे मुगीरा इतने शोबा अंधे थे, क्या इतने सारे उम्मती और फिर उसमें इतने सारे सहाबा वो सब के सब नावाकिफ थे कि सबका हज गलत हो जाए? हकीकत हाल ये है कि इसी तरह की सारी रिवायतें मन घड़त कहानियां वो सारी की सारी इस शरीयत के अंदर शियों ने डाल दी और उम्मत मुस्लिमा जो है वो बगैर समझे और सोचे इन रिवायतों पर अमल करने लगी और नतीजा ये निकला कि इधर अहले बैत की हिमायत में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में वो कलिमात बोलने लगी कि आज अभी किताब छप कर के आई है और हमारा अहले सुन्नत वल जमात का एक आलिम यह लिख रहा है कि मुगीरा इब्न शोबा काफिर था। अलयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलयाज़ु बिल्लाह, ये तमाम तर बातें ये तारीख की गलत बातें हैं जो उम्मत के अंदर चल पड़ी है। हकीकत हाल ये है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाकया पेश आया है यकीनन ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे, हमारे लिए बहुत ईजा पहुंचाने वाला, लेकिन उसके लिए मनगढ़ंत रिवायतों को बयान करके सहाबा को लानतान करना, सहाबा को मलामत करना और सहाबा से मुतालिक गलत सलत बातें बोलना, इसकी कतान इजाजत नहीं हो सकती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे पहले कि इधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो रहा है और इंतकाल के बाद हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी हुकूमत है और माविया ही के दौर में यजीद की बैत का सिलसिला सामने आया था। इसमें भी एक मौजू रिवायत मनगढ़ंत रिवायत देख लीजिए, इब्न असीर जजरी अल बिदाया व निहाया में रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं मुगीरा इब्न शोबा ने देखा कि अगर हसन या हुसैन के पास हुकूमत चली गई तो मेरा ओहदा चला जाएगा। अल्लाह अकबर, वो सहाबे रसूल होकर कभी ये सोच सकते थे? फरमाया इसलिए वो यजीद के पास गया, मुगीरा गया का लफ्ज है, यजीद के पास गया और ये कहा कि सारे सहाबा चले गए, ये तो सहाबा की औलाद हैं और इन तमाम औलादों में तुझे सबसे ज्यादा सलाहियत है यजीद, इसलिए तुझे ही अमीर बनना चाहिए। तो यजीद ने पूछा कि आपकी राय है या हुक्म है? कहा मेरा हुक्म है। मुगीरा इब्न शोबा कह रहे मेरा हुक्म है, अपने अब्बा से जाकर मिलो, हजरत मुआविया से मिले। और यजीद ने सारी बात रखी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, तो मुआविया ने मुगीरा को बुलाया और यह कहा कि यजीद क्या कह रहा है? तो मुगीरा ने कहा कि सही बात है अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद को अपनी हयाती में अपना नाइब बना लीजिए और इसके लिए बैत ले लीजिए। मुआविया फरमाते हैं कि क्या हमवार है मैदान? तो मुगीरा ने जवाब दिया कूफा को मैं संभाल लूंगा, बसरा को जो वहां के गवर्नर है वो संभाल लेंगे और बाकी मदीना तो आपके साथ है, आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। तो मुआविया ने फरमाया ठीक है मैं यजीद के लिए बैत ले लेता हूं। ये सारी बात तय करके मुगीरा वहां से निकले हैं और कूफे में जाकर यूं बयान दे रहे हैं, ये मौजू रिवायत, मुगीरा इब्न शोबा कूफे में जाकर यूं बयान दे रहे हैं, मैंने अमीर मुआविया को फितने के अंदर डाल दिया और ऐसे फितने में डाला है कि मोहम्मद की उम्मत कयामत तक नहीं निकल सकती। कितनी गलत रिवायत है मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में, ये इब्ने जरीर तबरी नकल कर रहा है, इब्ने असीर जजरी नकल कर रहा है और ऐसी मौतमद किताबें हैं कि जिसके ऊपर उम्मत एतमाद कर रही है। उन मुअर्रिखीन ने इन रिवायतों को नकल कर दिया और सहाबा के ऊपर एक बड़े बड़े इल्जाम आ गए। वाकया तवील है, इस दास्तान को मैंने कहा मैं मुख्तसर तरीक पर करना चाहूं तो भी नहीं ले जा सकता हूं। बहरहाल इस सिलसिले में एक बात यह भी बयान की जाती है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, रिवायात की रोशनी में यह पता चलता है कि जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे कूफा की तरफ, यजीद के पास जा रहे थे असलन, तो और कूफा जो दावत मिली थी आपको उस दावत की तरफ आप तो रवाना हो रहे थे, लेकिन रास्ते में देखा कि इब्ने ज़ियाद का लश्कर आ गया तो आपने कूफा की तरफ जाने के बजाय रास्ता मोड़ दिया और आप चले गए कर्बला की तरफ। कर्बला बीच में नहीं आता है, याद रखना कर्बला साइड पर है, आपका रास्ता कूफे का था, आप कूफा जा रहे थे अहले कूफा की दावत पर, इब्ने ज़ियाद का लश्कर जब सामने आ गया तो आपने अपना रास्ता बदलकर कर्बला की तरफ चले गए। रिवायतों में मिलता है कर्बला वो जगह है जहां बांस के दरख्त थे, जहां घास फूस था, जहां नहर फुरात बिल्कुल करीब था और इतना ही नहीं पानी में जमीन बिल्कुल ऊपर था। इन तमाम रिवायतों को सामने रखते हुए क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर अगर पानी बंद किया गया हो तो उस पानी में पानी उस जमीन में पानी नहीं था,
वहां तो पानी बिल्कुल ऊपर था, आप पानी को निकाल सकते थे। फिर आपके इतने सारे रुफका जो जान देने के लिए आपके साथ तैयार थे, वो क्या जमीन खोद कर पानी नहीं निकाल सकते थे? नहर फुरात बिल्कुल करीब था, क्या वहां से पानी नहीं ला सकते थे? ये एक मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है जो शियों ने घर कर उम्मत में गलत तरीक जारी कर दिया कि दसवीं मुहर्रम को पानी पिलाओ इसलिए कि हुसैन को बगैर पानी के मारा है। हकीकत हाल यह है, ये अब्दुल्लाह इब्ने सूरिया की रिवायत ईजाद करता है। और क्यों ईजाद की, उसकी हकीकत बताओ। इधर तो यूं कहा कि हुसैन को प्यासे मारा इसलिए हम उनकी रूह को ताजा करने के लिए उम्मत में दसवीं मुहर्रम को पानी पिलाएंगे, और दूसरी तरफ सही रिवायत में मेरा नबी यह कह रहा है कि दसवीं मुहर्रम को रोजा रखो तो पानी पिलाने वाले नबी की इत्तिबा कर रहे हैं या नबी की सुन्नत से बगावत कर रहे हैं। इतना बड़ा मसला है, आप देखिए दसवीं मुहर्रम का रोजा कितनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है दसवीं मुहर्रम का रोजा कि रमजान के रोजों से पहले दसवीं मुहर्रम का रोजा फर्ज था। जब रमजान का रोजा फर्ज हुआ तो ताला शानहू ने दसवीं मुहर्रम के रोजे को सुन्नत करार दे दिया और रमजान के रोजों को फर्ज कर दिया। जो रोजा पहले फर्ज था और फर्ज से निकलकर सुन्नत में आया उसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी। मेरा नबी यह कह रहा है कि दसवीं मुहर्रम को रोजा रखो, बल्कि साथ साथ यह बताया 9 और 10 रखो या 10 और 11 रखो, इसलिए कि यहूद सिर्फ दसवीं तारीख का रोजा रखते थे। तो फरमाया तुम उनकी मुखालफत करो और तुम 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा रखो। आप अंदाजा लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत को रोजा रखने का हुक्म दे रहे हैं और हम ये मनगढ़ंत रिवायतों को सामने रखकर उम्मत को पानी पिलाकर नबी की सुन्नत से महरूम कर रहे हैं। नबी के शैदाई हुए या नबी से दुश्मनी कर रहे हैं? तारीख अपने अंदर बहुत कुछ हकायक रखती है। हकीकत हाल यह है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाब में बहुत सारी मनगढ़ंत रिवायतें उम्मत में आ गई, जिसकी बुनियाद पर उम्मत खुराफात की तहत चली गई। और मैं एक बात यह कहता हूं, हजरत हुसैन ही की शहादत तड़पने वाली है, इसमें कोई शक नहीं कि आप नबी के नवासे हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा, लेकिन एक खतरनाक शहादत तो इससे पहले भी तो हो चुकी है। अल्लाह के हबीब के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वे उहुद में शहीद हुए थे तो आलम क्या था, सीना पूरा चिरा हुआ है, शर्मगाह कटी हुई है, कान कटे हुए हैं, नाक कटा हुआ है, सर फाड़ा हुआ है, और अल्लाह का नबी इतना रोया इतना रोया कि अल्लाह को जिब्रील को तसल्ली देने के लिए भेजना पड़ा और यूं कहा मेरे महबूब को कहो कि रोवे नहीं, मैंने तेरे चचा को जन्नत के शहीदों का सरदार बना दिया। यह कोई कम शहादत थी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की? बात ज़ईफ रिवायतों के मुताबिक मिलता है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ी। बाद रिवायतों से मिलता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, अगर मेरा तरीका उम्मत के लिए नमूना न बनता तो मैं अपने चचा को वैसे ही छोड़ देता ताकि चील और गीद मेरे चचा को खा जाते और कयामत के दिन मेरा चचा परिंदों के पेट से निकल कर आता और मैं यूं कहता ए अल्लाह ये मेरे चचा की कुर्बानी तेरे दीन के लिए। यह शहादत कुछ कम थी? आखिर मैं कहता हूं कि हजरत हमजा की शहादत पर कोई मसला क्यों नहीं? उसके अलावा गज़वे मूता के मौके पर हजरत जाफर इब्न अबी तालिब, यही हजरत अली के भाई है, हुसैन के चचा है, जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला इनसे मुतालिक बुखारी शरीफ में आता है, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं और मकाम मूता वहां से 1500 किलोमीटर दूर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते जा रहे हैं फला शहीद हुआ, फला ने झंडा संभाला, फला शहीद हुआ, मेरे जाफर ने झंडा संभाला, और उसके बाद आगे फरमाते हैं मेरे जाफर का एक हाथ काट दिया गया उसने दूसरे हाथ में पकड़ लिया, मेरे जाफर का दूसरा काट दिया गया उसने मुंह में झंडा संभाल लिया, मेरे जाफर की गर्दन उड़ा दी गई। मस्जिद नबी में बैठे बैठे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिला देते जा रहे हैं, आंखों से आंसू है। फिर हजरत जाफर के मकान पर पहुंचे और आपकी बीवी से जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की भाभी होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार है, घर पे पहुंचे और जाफर के 3 बेटे थे, 2 बेटों को अपने करीब किया और 6 महीने के बेटे को अपने गोद में नबी ने उठाया और बोला नहीं गया बहुत देर तक। अल्लाह के नबी से बीवी ने पूछा अल्लाह के हबीब क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? फरमाया आज से इन बच्चों का बाप मोहम्मद होगा और तुझे जरूरत होगी तो मोहम्मद तेरी जरूरत को पूरी करेगा। क्या जाफर इब्न अबी तालिब की मौत कोई कम थी? क्या उनकी शहादत कुछ कम थी? हुसैन ही पर यह मातम क्यों मनाया जा रहा है? हकीकत हाल यह है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बहुत आला शहादत, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी, हजरत जाफर की शहादत बहुत ऊंची शहादत,
دین کے لیے قربانی دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. میں نے بہت مختصر کر کے اس بات کو پیش کیا ہے. تاریخ نے غلط سلط باتوں کو لے کر شیعوں کے طریقے کو اس امت مرحومہ میں, اس امت مسلمہ میں ڈال دیے, اور یہ نادان امت بجائے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے اس دن خرافات میں مبتلا ہو گئے, اس دن پانی پلانے میں مبتلا ہو گئے, اور اس دن ناچنے گانے میں مبتلا ہو گئے, اور اس دن یہ امت کا حال یہ ہوا کہ اپنی فرض نمازوں کو چھوڑ کر ناچنے اور گانے کے اندر لگ گئے. بھلا میرے مرحوم باپ کا کوئی تعزیہ بناوے میں پسند نہیں کروں گا, تو میرے نبی کے نواسے کو اس طرح پر رو رو پر ناچ ناچ کر بیان کیا جائے کہ اللہ کا نبی اس سے محبت کر لے گا. یہ دھوکہ ہے. امت مرحومہ کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا. امت کا قصور نہیں ہے, لیکن امت کو غلط راستے پر ڈالا گیا ہے اور امت ان کے طریقوں پر چل پڑی. حقیقت حال سمجھو. دسویں محرم کو روزہ رکھنے کی کوشش کرو, اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, وہ اعمال کرو کہ جو ہمارے اقابر نے اس دین کے لیے کیے تھے, ہم بھی ضرورت پڑنے پر اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبات ہمارے ہونے چاہیے. ایصال ثواب ہونا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, اس دن اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے. اللہ اس امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.